वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं व्लॉग ऑफ एडी। तो सबसे पहले जाएं, इसको सब्सक्राइब करें, जो नए बच्चे हैं वो इसको सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि मेरा चैनल ग्रोथ करे और अच्छी रेपुटेशन तक पहुँच सके। तो अभी मेरे 80 सब्सक्राइबर से ऊपर हो गए हैं, जल्द अज जल्द 1000 भी हो जाएंगे। तो आज हम जा रहे हैं वॉलीबॉल का मैच खेलने। मुझे इतना वॉलीबॉल खेलना तो नहीं आता, मगर मैं वैसे चला जाता हूँ ताकि मेरा टाइम पास हो जाए और घर बैठे बैठे भी इतना अच्छा महसूस नहीं होता। तो मोबाइल से भी सारा दिन बैठा रहे बंदा ऐसे बोर हो जाता है। तो मैं इस टाइम घंटा दो घंटा शाम को चला जाता हूँ ताकि मेरा दिल भी अच्छा हो जाए और टाइम भी पास हो जाए और हाथ शाथ भी मार लेता हूँ, तो जिस्मानी भी थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज कर लेता हूँ। तो मुझे इतना खेलना तो नहीं आता, मगर शकील जो मेरे साथ मेरा कज़न होता है, ये हर व्लॉग में मेरे साथ, अक्सर व्लॉग में मतलब मेरे साथ रहता है और इसे अच्छा खेलना आ जाता है। तो ये देखिए, ये मेरे साथ है और इसके हाथ में वॉलीबॉल भी है। वॉलीबॉल दिखाओ। ये हम जा तो पैदल रहे हैं, मेरी बाइक होती है लेकिन वो आज ख़राब है इसलिए मैं उसको साथ नहीं लेकर गया। तो हम जैसे देखें आप फसलों के बीच बीचों बीच जा रहे हैं और यहाँ पर मतलब कमांद की भी फसल है गन्ने की, और उसमें हमें डर भी लगता है। वो जंगली जानवर जैसे होते हैं, जैसे फॉक्स हो गया, वो इसमें रहते हैं, उन्होंने अपना घर बना रखा होता है इसको। तो अभी हम मतलब देहाती बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जिगरा भी बहुत अच्छा है, इसलिए हम इसलिए डर इतना नहीं लग रहा हमें। ये वॉलीबॉल और क्रिकेट जो कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले गेम्स हैं। तो ये वॉलीबॉल आज से दो तीन साल पहले, मतलब जब कोरोना की छुट्टियां थी उस वक्त मतलब ये फेमस हुआ और सब इसको खेलने लगे। ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गेम है, मैं भी इसको सेलेक्ट करूंगा कि आप इसको खेलें। क्रिकेट और जो वॉलीबॉल है ये सबसे ज़्यादा मतलब सबसे भी ज़्यादा इस पाकिस्तान में खेले जाते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी शायद खेले जाते हों, और ये सारे सारे मुल्क में सारा सारा साल खेलते हैं और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स भी मौजूद हैं जो सारा मतलब ऑलराउंडर ऑल पाकिस्तान में खेलते हैं। ये देखिए, ये देहाती फसलें हैं और ये अभी कपास की फसल है जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पक्की तो काफ़ी नहीं है, लेकिन महीने डेढ़ बाद इसको इसकी तैयारी हो जाएगी। ये हैं भेड़ का रेवड़ और अंकल यहाँ इसको चरा रहे हैं, देखें ये। पानी बहुत ही कड़वा है और इसलिए इसको पानी को आर्टिफिशियल तरीके से इसको कन्वर्ट करते हैं और पीने के काबिल इसको बनाते हैं। और वॉलीबॉल का मैच खेलने जा रहे हैं, तो पैदल चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह वर्जिश भी अच्छी हो जाती है और हमारी टांगे भी मतलब सीधी हो जाती हैं और अच्छा खेला जाता है। तो ये हमारे घर से बस थोड़े से ही फासले पर था, जो कि 5-10 मिनट का सफ़र था। ये मेरा कज़न मोटू जहांगीर मोटू, और हम वॉलीबॉल के मैच के ग्राउंड के बस अभी करीब ही हैं, पहुंचने वाले ही हैं। ये देखे अब हम अभी पहुंच तो गए हैं, लेकिन अभी कोई प्लेयर आए नहीं है, थोड़े से बस आए हैं। आईफोन में चुप कर, आईफोन नहीं बस असन खंदे हैं क्या क्या लोग आम खड़ा घर खड़ा कर। इधर कपड़ा चलेगा रे,
मेरे साथ खामोश होकर खड़े गुस्ताख लड़के ये देखिए ये दूसरा तीसरा चेंज है जो अब सेटिंग कर रहे हैं और ये मलिक शकील अभी आ रहा है इसको आप दिखाते हैं हम ये देखिए अभी इनकी लड़ाई हो गई है और ये गेम इनकी रुक गई पता नहीं क्या हुआ है एक दो नंबरों के पीछे इनकी लड़ाई हुई है ये गेम ऐसे नहीं होती यार ऐसे गेम में वो करें हम यार एक एक छोटी छोटी बात पर लड़ाई दें और गेम में ऐसे गाली गुली देते हैं हाँ भाई मलिक शकील क्या हुआ है पॉइंट का रोला मची खड़ा सरेकी नहीं उर्दू यार ये अक्सर कल्चर हमारी है तो सरेकी इसलिए हर कोई सरेकी बोलता है मैं भी सरेकी हूँ लेकिन मैं भी लोग मैं अपना उर्दू झाड़ता रहता हूँ पूरी मैं बोल तो नहीं सकता अच्छे तरीके से लेकिन कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने के लिए तो ये देखिए अभी इन्होंने लाइटें भी लगाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्राउंड पर उन्होंने ना अभी थल्ली टेकी है अपनी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्राउंड में ये देखिए लाइटें भी हैं इसलिए रात को भी खेलते रहते हैं और काफ़ी मतलब अच्छा मज़ा आता है और रात को खेलने में तो बंदा ज़्यादा माहौल भी एडजस्ट होता है और गर्मी इतना भी नहीं होती दिन के दिन मतलब 4 बजे खेलते हैं उस टाइम तो गर्मी होती है बहुत गर्मी होती है 4 तो नहीं 5-6 बजे खेलते हैं उस वक्त बहुत गर्मी होती है और इस वक्त खेलने में गर्मी भी इतना नहीं होती और पसीना भी इतना नहीं होता ये इस तरफ बाइक खेल रहे हैं मिस्टर इशफाक इनकी माशाल्लाह गेम अच्छी है आज मैं नहीं खेला यार इसलिए कि गर्मी भी थी और सारे प्लेयर भी इनके पूरे थे इसलिए मैंने नहीं खेला और इनका माशाल्लाह काफ़ी अच्छा कंपटीशन हो रहा है और काफ़ी हैवी हो रहा है काफ़ी हैवी मुकाबला है गेम इनकी है 51 की और इनके नंबर हैं 45 और 43 यानी कि 4-5 नंबर इनके बाकी हैं और गेम ख़त्म होने वाली है अभी गेम खेलते खेलते यार काफ़ी अंधारा हो गया है और इस वक्त हो रहे हैं 8 बज रही है गेम खेलते खेलते इनको इस वक्त मैं घर होता हूँ और खाना इस वक्त खा रहा हूँ लेकिन अभी इस वक्त बैठा हूँ मलिक शकील की खातिर वो बाइक उसके पास है मैं अभी बाइक नहीं लेकर आया तो अभी जाएंगे फिर गेम जब ख़त्म हो जाएगी फाइनली अब गेम तो ख़त्म होगी और मलिक शकील गेम जीत गया तो फाइनली अब मलिक शकील गेम तो जीत गया लेकिन बोतल तो बनती है इसने मैच अभी लिया है तो हाथ क्यों में देनी हाथ दिखाएं इसको दिखाएं ना ऐसे तो फाइनली अब हम घर जा रहे हैं तो गेम ख़त्म होगी तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में काफ़ी रात हो गई है हाँ तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में तब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल खुदा हाफिज़।